नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। जो हमने बच्चों हैशटैग वाली मुहिम स्टार्ट की थी वो वर्ल्ड, पूरे बच्चों वर्ल्ड में नंबर वन पर ट्रेंड कर रही है, और मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद करता हूं। जितने भी हमारे यूट्यूब के टीचर्स हैं उनका धन्यवाद करता हूं, जितने भी हमारे युवा साथी है पूरे के पूरे संपूर्ण भारतवर्ष को मैं सैल्यूट करता हूं कि आज इस मुहिम को इस कदर ट्रेंड करने के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी वादा करते हैं, हमने युवाओं को रोजगार दिया है, आज उनको पता चल गया जब हर कोई लिख रहा है मैं भी बेरोजगार। आपको भी बच्चों लिखना है जहां भी जाओ, जैसे एक विनोद नामक है ना बच्चों, वो विनोद ट्रेंड कर सकता है, तो मैं भी बेरोजगार जरूर ट्रेंड करेगा। जहां भी जाओ तो आपको सिर्फ यही लिखना है मैं भी बेरोजगार, और बच्चों उस प्रधानमंत्री को बिना देख करना शर्म आएगी कि आपके ना जो झूठे वादे है ना वो केवल दिखावटी वादे हैं। और आज बच्चों सभी विषय पर मैं आपके लिए चर्चा करने के लिए हाजिर हुआ हूं। अगर गालिब होते तो जरूर एक बात कहते, यहां सबको मोर दिखता है, यहां सबको मोर दिखता है, लेकिन बेरोजगार युवाओं का किसी को शोर नहीं दिखता। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अब मन की बात करने से कुछ नहीं होगा, हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो मन की बात अपनी पत्नी से करे और युवाओं के दिल की बात है हमसे करे। कोई हमें मन की बात अब नहीं सुननी है। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए ना आप सभी युवाओं का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, और जो हमने ये मुहिम शुरू की हुई है ना बच्चों, ये रुकनी नहीं चाहिए। आज वर्ल्ड में नंबर वन पर ये मुहिम हमारी चल रही है, हैशटैग जो हैशटैग सुबह से ट्रेंड कर रहा है, हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट। और इसको एक घंटे में, अभी बच्चों एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था कि मेरा सर ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया। ये भी बच्चों साजी से होगी, ट्विटर अकाउंट ब्लॉक होंगे एक मिनट में ना, मतलब एक घंटे में पांच से ज्यादा आप ट्वीट मत करना बच्चों। ट्विटर अकाउंट भी ब्लॉक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आईडी बनाने में कितना टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम में नहीं लगेगा। ये बच्चों आज अगर ना आपने सोच लिया कि हम आज ये मेरे मैंने तो रेलवे के फॉर्म भी नहीं भरे हुए हैं, मैं क्यों करूं, अगर बच्चों ऐसी सोच है ना सरदार भगत सिंह ने रखी होती कि मैं फांसी पर क्यों चढ़ूं, मैं फांसी, मेरे फांसी पर चढ़ने से क्या बदलाव आएगा, तो इस जहां में बच्चों हमें कभी भी आजादी नहीं मिलती। कोई अगर मुद्दा बच्चों आज युवाओं ने उठाया है तो इस मुद्दे को बच्चों शांत मत होने देना, इस मुद्दे को ना, जैसे कई बार क्या होता है जब आंदोलन शुरू होता है ना बच्चों, उसमें हम बहुत जोशो खरोश से इंटरेस्ट दिखाते हैं, और जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ता है ना हमारा जोश है ना वो ठंडा पड़ता जाता है। आज अगर युवा जागा है तो इसका जोश बच्चों कतई ठंडा नहीं होना चाहिए, चाहे हमारे आमने सामने सैकड़ों परेशानी आए, चाहे बच्चों हमें ना कांग्रेस के भगत बताया जाए। हमारी लड़ाई ना तो बीजेपी से है ना कांग्रेस से है, कुछ कहेंगे ये कांग्रेस के सपोर्टर है, कहने दो। हमारी लड़ाई हमेशा ना बच्चों सवाल है ना राजा से पूछे जाते हैं। अब राजा नरेंद्र मोदी है, मैं राहुल गांधी से क्या सवाल करूं, उनको क्या पता, वो पावर में होते तो मैं